नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल टेट पास ऑल पर। हेलो हेलो, हेलो हाँ हेलो, कौन? प्रणाम सर। मैं सिंह बोल रहा हूँ सर, डिस्ट्रिक्ट इटावा से। सर जी, मैं जानकारी चाह रहा था सर कि जो मेरी मिसेज है ना सर, मिसेज तो उन्होंने मतलब 2011 में मतलब जो है टेट पास किया था, और 2008 और 9 के सत्र में बीएड किया था सर। तो लेकिन उसकी समय 2011 में उन्होंने प्रोविजनल डिग्री निकाली थी, तो फिर उसके बाद में फिर अभी तक फिर वो डिग्री बनी नहीं थी, तब फिर कानपुर नहीं जा पाया सर। तो सर उसमें डिग्री प्रोविजनल जो 6 महीने की वैसे होती है बताते हैं लोग, तो नई हाँ, डिग्री निकालना पड़ेगी सर। प्रोविजनल तो थोड़े समय के लिए होता है कि अभी डिग्री नहीं मिली है इसलिए प्रोविजनल से काम चलता है, लेकिन फाइनली डिग्री ही तो मेन होता है। बिना डिग्री के तो होगा ही नहीं, काउंसलिंग में डिग्री ही जमा होगा। तो सर लगभग कितने दिन में आ जाएगी सर? वो तो आपका यूनिवर्सिटी बताएगा ना कि वो 10 दिन में देगा, 15 दिन में देगा, 20 दिन में देगा, कितने दिन में देगा, वो तो यूनिवर्सिटी बताएगा ना आपका। तो सर मैंने आपकी, मैं डेली डेली हूँ देखता हूँ सर, और इसी का इंतजार रहता है सर। तो मैं धीरे धीरे करके सारे मैंने डॉक्यूमेंट्स सारे इकट्ठे कर लिए हैं सर। तो तो मेरी पॉजिटिव। हाँ जी, और डोमिसाइल वगैरह है, कास्ट सर्टिफिकेट है, ये सारे के सारे मैंने अपने सब बनवा रखे हैं सर। तो बस कुछ ही दिन में सारी चीज़ें शुरू हो जाएंगी, तो उससे पहले जो लोग तैयारी कर लिए रहेंगे सारी चीज़ें, तो उनको दिक्कत नहीं होगी। कुछ लोग सही जो बात है, है, ज़्यादातर लोग क्या होता है कि वो सोए रहते हैं और जब मेन टाइम आता है उसी समय भाग दौड़ करते हैं, तो उस वक्त भाग दौड़ करने वाले ज़्यादा लोग होते हैं। तो अब आपको जो जाएंगे डोमिसाइल बनवाने या कुछ भी बनवाने, तो आप अकेले तो होंगे ना, उस समय तो भीड़ लगी होगी। तो अब भीड़ सही लगी बात है होगी सर, तो उस समय जो है, जो काम 4 दिन में होना वो काम 40 दिन में होगा। सही बात है सर, तो उसी चक्कर में फिर क्या होता है कि लोग जो है सामने से आया हुआ मौका जो है गवा देते हैं, कहीं ना कहीं सर उनका कुछ। हम लोग सर इतने परेशान हो गए थे सर। मैं भी बीकॉम किया था मैंने, और सर मैं इस समय प्राइवेट जॉब कर रहा हूँ, भट्टे पे मुनीम हूँ, और वाइफ हमारी प्राइवेट पढ़ा रही है सर। मात्र 5,000 रुपये सेल लिया सर। हाँ, तो प्राइवेट में तो ऐसे ही मिल रहा है। जब से आपकी वीडियो देखी है ना सर, सबसे खुद जान में जान आई है, ऐसा लग रहा है कि कब आए कब आए कब आए कब आए, मतलब एक जीने की अच्छी इच्छा सी बढ़ गई है सर। अल्लाह को मेहनत करते हैं हम तो सर, तो ये लगभग तो कब तक ये सर हो सकेगा, ये इतनी खुशियां मतलब कब तक आएंगी सर? कमेटी रिपोर्ट जो है आने का इंतजार हो रहा है, और वो सार्वजनिक करने की तैयारी है, फाइनल हो चुका है, कमेटी ने रिपोर्ट बना लिया है। ठीक है, जी कितने पद खाली हैं, समग्र शिक्षा अभियान के तहत कितने खाली हैं, राज्यों के पद कितने खाली हैं, ठीक है, तो सारे वो पदों का निर्धारण हो रहा है। कितने टीचर जो है रिटायर हो गए, कितने टीचर कहीं और जॉब में चले गए छोड़कर, कितने जो है फर्जी निकाले गए, कितने जो है ज्वाइन किए लेकिन कुछ समय से आ ही नहीं रहे हैं। तो तरह तरह के सही बात अखबारों में न्यूज आ रहे हैं कि जो टीचर जो है आ नहीं रहे उनके लिए जो है नोटिस वगैरह जारी हो रहा है। आप बराबर अखबार पढ़ते रहिए, सारी चीज़ें हो रही हैं। बस ये है कि लोग जो है जानते नहीं हैं, इसलिए वो न्यूज सामने पढ़ करके भी वो नहीं समझ पाते ये सब क्यों न्यूज आ रहा है, इसका क्या मतलब है। सही तो बात है सर, ये सारी चीज़ें हो रही हैं, तो पदों का निर्धारण करना है। तो फाइनली पद का निर्धारण जो नया मानक है उस जी नए मानक के अनुसार होना है। पहले क्या होता था, एक स्कूल में जो है एक आध टीचर होते थे या फिर एक आध शिक्षा मित्र तो होते थे, उन्हीं से काम चल रहा था। अब चार चार पांच पांच कक्षाएं हैं और एक टीचर दो टीचर से काम चल रहा था। अभी भी ऐसा कोई स्कूल नहीं है जहाँ की 2 या 3 से ज्यादा टीचर हों, कहीं कहीं रेयर केस में मिलेंगे, लेकिन ऐसा कोई स्कूल नहीं है जहाँ की 5 या 6 टीचर हों और उनकी रिक्वायरमेंट जितनी वहाँ है उतनी पूरी हो। तो मानक के अनुसार जो है 30 बच्चों पर एक टीचर, और एक एक कक्षा में जो है 30 ही बच्चे रहेंगे। लेकिन स्कूलों में क्या है कि चाहे वो प्राइवेट हो या गवर्नमेंट, हर जगह जो है 50, 60, 70, कहीं कहीं 100-100 बच्चे एक ही कक्षा में बैठ रहे हैं। तो अब जो है गवर्नमेंट सरकारी स्कूलों में कड़ाई करेगी, फिर प्राइवेट स्कूलों पर कड़ाई करेगी, और नए मानक के अनुसार जो है पदों का निर्धारण करके भर्ती निकालेगी। तो नए मानक के अनुसार पदों का निर्धारण होगा, जो भी फर्जी वर्जी निकाले गए हैं
और जो लोग छोड़ के गए हैं, रिटायर हुए हैं, प्रमोशन हुआ है, किसी और जगह चले गए हैं, कुछ भी हुआ है, तो नए मानक के अनुसार पदों का निर्धारण करके वर्तमान संख्या देखेगी, टीचर कितने हैं वर्तमान में, उसके बाद जो है वो रिपोर्ट देगी कि एक्चुअल में कितने टीचर की ज़रूरत है। तो आज से जो है 4 साल 5 साल पहले जब कोर्ट में मैटर था तो गवर्नमेंट ने हलफनामा लगाया था कि शिक्षा मित्रों को न निकाला जाए, इनका समायोजन रद्द न किया जाए। हमारे पास 4 लाख से ज़्यादा पद हैं, यानी कि शिक्षा मित्र के रहते हुए 4 लाख से ज़्यादा पद थे, और जब सही सुप्रीम बात कोर्ट से शिक्षा मित्र समायोजन रद्द हो गया तो 4 लाख से ज़्यादा पद जो थे वो तो थे ही, समायोजन रद्द होने से जो पद खाली हुए वो भी हो गए, और इधर जो रिटायर और न जाने क्या क्या हुआ है वो सब, तो कुल मिला करके पद तो इतने हैं कि 6 लाख 7 लाख जितने भी हों, कमेटी जब रिपोर्ट आएगी तो पता चलेगा। हो सकता है कमेटी रिपोर्ट में अभी पूरा पद दिखाएं भी ना, अभी फिलहाल उतना सही ही बात है, पद दिखाएं कि जितना अभी उनको भरने का प्लान हो उनका। सही बात है। अभी मान लीजिए उनका इरादा हुआ कि नहीं हमको जो है 3 लाख भरना है, तो 3 ही लाख दिखाएंगे, नहीं दिखाएंगे ज्यादा अभी पद। सही बात तो है खैर जो भी है अभी आएगा रिपोर्ट सामने। सर, मैं काफी समय से फोन लगा रहा था, मैं करीब एक हफ्ते से लगा रहा था फोन, आपका फोन लग नहीं रहा था। अभी मैं इस समय जो है फील्ड में हूँ तो आपका फोन लग गया सर। तो आप इतने बिजी रहते हैं, हमने की हो सकता है कि सर सो रहे हो या कुछ मतलब जा अपने बाहर हो। अपनी भी लाइफ है भाई, अपने भी बहुत सारे काम होते हैं तो बिजी रहते हैं, तो फोन भी अक्सर जो है स्विच ऑफ रखना पड़ जाता है, इतने कॉल आते हैं सब कुछ, सही सही और बात है चूंकि सर, सही यूट्यूब पर डालते रहते हैं तो उसको बनाने में भी टाइम लगता है, बात है सर, और व्हाट्सएप है, फेसबुक है, टेलीग्राम है, सब पर ग्रुप बने हुए हैं, वो सब भी मैनेज करना होता है, तो काफ़ी चीज़ें होती हैं, तो हर समय नहीं, बाकी ऐसा एक दिन में 1 या 2 लोगों से 3 लोगों से बात हो जाती है, हर किसी सही से तो बात है बात सर, संभव ही नहीं है, 1 2 लोगों से 3 लोगों से बात करने में ही काफ़ी हो गया, एक एक व्यक्ति से आप देखते होंगे 15 मिनट 20 मिनट आधा घंटा अब 40 मिनट कम से कम बात होती है। 48 मिनट, कभी कभी 33 मिनट, कभी 28 मिनट, और कभी उलूल जुलूल वाले भी खूब दुनिया हाँ की बात करने लगते होंगे, तो तरह उनको तरह अच्छी के तरह से लोग हैं। समझाना पड़ जाता है अरे वो तो मान लीजिए वो सर। यही मैं समझने पूछ रहा था सर, तो जो प्रोविजनल जो डिग्री है अटेंड, मैं ये सोच रहा था कि कहीं इसी महीने में आ जाए, एक हफ्ता में आ जाए, तो सर वो बड़ा मुनासिब नहीं है, तो लेकिन आप जो मैंने है डिग्री के लिए अप्लाई कर दीजिए, और अभी टाइम है, ठीक है, और ऐसा नहीं ठीक है है कि सर। काउंसलिंग में तुरंत ही जिसके पास जो चीज़ें, आपके पास मार्कशीट तो है ही है, मार्कशीट से काम चल जाएगा, हाँ सर, डिग्री सारा के सब कुछ लिए है जी डिग्री आने में अगर मान लीजिए लेट होता है तो वहाँ पर काउंसलिंग में जी समय मांगने पर वो समय दे देते हैं, क्या क्या जमा है वो नोट कर लेते हैं, क्या बाकी है वो नोट कर लेते हैं, आपको समय दे देते हैं कि जो है आप जल्द जल्द या इतने दिनों के अंदर जमा कीजिए, तो आप अप्लाई कर दीजिए, तो अभी अप्लाई कर देंगे, 15 दिन 20 दिन 10 दिन जो भी लगना होगा आ जाएगा सही उतने बात दिन है। में, और आजकल तो ऑनलाइन हो रहा है हर काम। अच्छा, और अभी सारे जो जो है, और अभी कुछ दिनों पहले जो है घोषणा हुई है राज्यपाल जी द्वारा कि जो है सभी पुरानी डिग्रियां जो है निःशुल्क वितरित किए जाएं। तो सर ये मैंने, मेरी पत्नी भी सुनती है इसको, तो वो मतलब उन्होंने सब कुछ बता के अपना सारा सब कुछ निकाल, पहले आपने बताया था वो वो एनसीटी एनसीटी से अप्रूवल कोड, से हाँ कॉलेज अप्रूवल जो का। जहाँ से भी, हाँ जी मेरे यहाँ भरतना है पास में, तो वहाँ से कॉलेज से किया था सर, तो उसका भी मैंने नकलवा के रखवा लिया लेटर उसका जो, वो लेटर कहीं और जरूरत नहीं पड़ेगा, बस वो अपने संतुष्टि के लिए कि कोई ऐसा ना हो कि पता चले कि हमने जहाँ से किया है वो कॉलेज तो नहीं अप्रूवल है ही किया नहीं है, तो पता चला कि गवर्नमेंट जॉब में हम जा ही नहीं सकते हैं, ऐसा भी होता है कि हम जो है अप्रूवल नहीं है तो फिर गवर्नमेंट जॉब में नहीं लिए जाएंगे, वो फिर प्राइवेट में ही जा सकते हैं बस। सही बात है सर। तो कंफर्म हो गया ना कि अब उन्होंने वहां से देख लिया अपनी आंखों से, तो उनको भी संतुष्टि हो हाँ गई, हाँ बिल्कुल सही कल सर, को कोई अचानक उनसे कह देगा कि आपका कॉलेज जो है मान्यता प्राप्त तो नहीं है, तो वो दावे से वहां लड़ जाएंगे, नहीं मेरा तो मान्यता प्राप्त है, मैंने एनसीटी की साइट पर लेटर डाउनलोड किया है, मैंने देखा है, दावे से वहां वो कह पाएंगी। अब जो देखा ही नहीं होगा, कल को कोई उससे कह देगा, कोई किसी स्टेज पर कोई अधिकारी कह देगा नहीं आपका तो कॉलेज अप्रूवल नहीं है, तो उनको जो है डाउट हो जाएगा, अरे ये तो ऐसा कह रहे हैं मेरा अप्रूवल नहीं है, तो वहां पर वो सही जवाब बात नहीं है दे पाएंगे, कॉन्फिडेंस से बात नहीं कर पाएंगे, तो इसीलिए हमने कहा था कि लेटर डाउनलोड करके सब लोग देख लेंगे तो उनको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। हाँ, तो लगभग मेरे सारे हो गए, बस ये बीएड की डिग्री रह गई है सर, उसमें आय प्रमाण पत्र तो कुछ चाहिए नहीं होगा, उससे नहीं, कोई आय लेने प्रमाण देने पत्र, नहीं है। आय प्रमाण पत्र का कोई लेना देना नहीं है, यहाँ पर सबका होना है, तो इसमें आधार कार्ड लगेगा, निवास लगेगा, और
जाति प्रमाण पत्र अगर आरक्षित वर्ग में आ रहे हैं तो यही आरक्षित सारी चीज। वर्ग चूंकि कोटा होता है ना भर्तियों जी में, और आगे भी नौकरी जी मिल जाने के बाद तरह तरह की चीजें होती हैं आरक्षण के आधार पर, तो हाँ जी उसके सर लिए तो जाति प्रमाण पत्र लगाना होगा। तो जो भी ओबीसी में आता होगा, एससी में एसटी में, तो उसको तो जाति प्रमाण पत्र हम लोग हम लगाना सर होगा। ओबीसी में आते हैं सर। हाँ तो ओबीसी का सर्टिफिकेट होगा ही आपके पास, लगेगा हर हाल तो में। ये मैंने दोबारा फिर से बनवा लिया सर, जो आपने एक बार बताया था क्रमांक उस पर एक ही नंबर था, तो वो मतलब सर्वर वाला बोला कि ये अब दो नंबर का बनेगा ये, अच्छा, तो हाँ, सारे लोग यही बनवा। अब उसका दो नंबर प्रिंट होकर आने लगा है, तो नया बनवा लिया आपने, हाँ अच्छी बात है। आपने एक बार पहले बताया था करीब 15-20 दिन पहले आपकी वीडियो, तो उसमें मैंने ये सारा सब कुछ जो आप बताते हैं वो सर मैं बनवा हाँ लेता हूँ सर। हाँ तो जो भी जागरूक रहेगा, इन्फॉर्मेशन जो मिल रही है, जो दिया जा रहा है, उसके अकॉर्डिंग अपना करता रहेगा, तो आगे चल के उसे कोई दिक्कत नहीं। जो कुछ आपने अभी कराया है, वो अचानक से मानिए जब जी गवर्नमेंट तरफ से घोषणा होता है, उसके बाद ये सारे काम कराने होंगे, तो सही बात है सर। अब किधर किधर आप भागेंगे कि जाति बनवाएं कि निवास बनवाएं कि डिग्री निकालें या क्या करें, किधर किधर कितना हाथ पैर चलाएंगे, परेशान हो जाएंगे उस वक्त। और जानते हैं जब इंसान परेशान रहता है तो फिर मजबूरी में जो है लोग 10 रुपए का 100 रुपए लेते हैं, 100 रुपए का 500, 500 का 5,000 लेना शुरू कर देते हैं, फायदा सही बात है सर, परेशानी उठाते हैं। बढ़ जाती है सर। सर अच्छा राजपति सर का भी एक वीडियो आता है सर, उस दिन मैंने देखा था करीब इसी मतलब इसी परसों एक हफ्ते पहले, तो बोले कि क्या नाम कि वो डाटा फीडिंग हो चुका है, तो मेरी हमने लिंक शेयर किया है, आप उस पर रोल नंबर डाल के 2011 वाला टीटी अपना सर्टिफिकेट चेक कर सकते हैं, रोल नंबर ठीक डालने के बाद वहाँ शो कर देगा, ठीक है, अगर कर आपको चुके मिल हैं सर गया। उसको, हाँ तो उसको कर कर, चुके हैं सर, आप ही की उससे मैंने चेक किया था अच्छा, लिंक पर हो जाकर के चुका। अपना रोल नंबर डाल करके टीटी वाला अपनी मिसेज का आपने चेक कर लिया है, हाँ, हाँ कर चुके हैं सर। तो वहाँ सब कुछ शो कर रहा है ना, नाम, पिता का हाँ नाम, बिल्कुल नंबर वगैरह सब पूरा रिजल्ट शो कर रहा जी होगा। जी जी सारा सब कुछ कर रहा तो ग्रुप में रहने से ये सब फायदे हैं कि जो चीज़ें शेयर की जाती हैं वो मिलता रहता जी, सही बात है सर। है। चलिए तो और बताइए लगभग कुछ। सर बस यही यही जानकारी चाहिए थी, तो मैं सोच रहा था कि अभी तो फिलहाल मेरे यहाँ सर छूट नहीं मिल रही मुझे, तो मैं तो कैसे जाऊँ, तो मैं सोच रहा था यहाँ पर मेरे यहाँ कॉलेज है, तो बोले कि तुम ऐसा करो कि यहाँ तो ऑनलाइन अब होने लग गया कि अब बाई चांस आती है, तो लगभग 20-25 दिन लग जाएंगे उसको आने में, तो अब कोई मुझे दिक्कत और नहीं भी है। मेरी दिक्कत हो गई, मैंने कहीं अगर 20-25 दिन लग जाएंगे अब तो मेरी प्रोविजनल भी दोबारा फिर से बनवाऊं ना तो वो भी बन पाएगी, और सर ओरिजिनल तो आएगी भी नहीं इतनी जल्दी, तो कहीं ऐसा ना प्रोविजनल हो। जी प्रोविजनल आपके पास है, उसकी वैलिडिटी 6 महीने होती है, ठीक है, लेकिन अभी इमरजेंसी में आप उसको वहाँ दिखा सकते हैं कि ये हमने बनवाया था, हाँ, और अब जी अचानक से ये चीज़ आया है, तो हमें थोड़ा टाइम दे दीजिए, हाँ, हम डिग्री के लिए भी आवेदन कर रखे हैं, डिग्री आ जाएगा, तो आप अपनी बात बता देंगे तो वहाँ से कुछ टाइम मिल जाएगा आपको, वो टाइम दे देते हैं 15 दिन, 1 महीना, 2 महीना, जो भी कहा होता है ऊपर से आदेश, उस हिसाब से टाइम दे देते हैं इन चीज़ों के लिए, क्योंकि मार्कशीट तो आप दिखाएंगे ही, वहाँ जमा करेंगे नहीं ही, सर सही तो मार्कशीट से तो कन्फर्म बात हो है गया कि आप जो है क्वालिफाई हैं। तो ठीक है, तो बस बात है ये जी थोड़ा दिन और धैर्य रखिए, ये रिपोर्ट आने जा रहा है, कितने पद हैं, कितने पदों पर भर्ती अभी होने जा रही है, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी, क्योंकि शिक्षा मित्र का भी होना है इधर, बीएड वगैरह वालों का भी होना है, टेट पास वालों का, तो पद जो है अब देखिए 4 लाख लेके आते हैं, 6 लाख लेके आते हैं, कितने पद लेकर आते हैं, जी जितना भी उनको भरना होगा पूरा प्लान करके उतने पद लेकर आएंगे। जी ठीक है, ठीक है सर, आपका सर साथ कीमती समय मैंने सर बर्बाद किया आपका, और सर बर्बाद पूरी क्या, जानकारी दे परेशान है दी हर व्यक्ति, नॉलेज नहीं है, जानकारी के लिए कॉल करता है, तो इसीलिए हम डाल भी देते हैं, तो हर सर किसी अगर से भविष्य बात में संभव कोई नहीं, मुझे जरूरत पड़े तो तो व्हाट्सएप कीजिएगा, सर। व्हाट्सएप या फिर टेलीग्राम पर जो है कीजिएगा, हाँ ठीक है। टेलीग्राम से भी हम आपसे जुड़े हुए हैं, और व्हाट्सएप तो तो आप मैंने कल ही ले जाता था। टेलीग्राम पर समय समय पर ग्रुप में खोल दिया जाता है, वहाँ पर भी बातचीत होती रहती है, सभी लोग अपना जो भी रहता है वहाँ पर जो लिख करके चैट करते हैं, तो जुड़े रहिए, ठीक है ठीक है, सर, ठीक है सर, नमस्ते चलिए, सर जी। ठीक, नमस्कार।